Hello to everyone, myself Deependra Singh, and today we are going to see exercise 1.4. And part 1 of the same exercise I have uploaded. If you have not seen, you can go and check my previous video. And in this video, we will see from third question onwards. So students, in previous video, we have covered first 4 parts of the same question. In this video, we will cover these 4 parts and some another question also. So you can easily guess कि यहाँ पे आपको fill in the blanks fill करना है, right? You have to fill a number so that if I divide by 1, so I'll get -87. You have to fill a number, so you will divide by 48 and you will get -1. तो ये number हमें guess करना है. और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो division है बहुत आसान division है, बहुत आपके लिए नंबर गेस करना बहुत ईजी रहेगा. यहाँ पे मेन मैटर है साइन का, कि व्हाट विल बी साइन ऑफ नंबर, द नंबर यू विल फिल ओवर हियर, व्हाट इज द साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. तो सेम सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो यही है. तो मैं किस नंबर से एक को डिवाइड करूं जिससे -1 आ जाए. वी नो दैट इफ आई डिवाइड एनी नंबर टू 1, इफ आई डिवाइड एनी नंबर टू 1, सो दैट नंबर विल कम इटसेल्फ. तो अपने को आंसर इजिली गेस हो जाएगा कि यहाँ पे 87 ही आ जाएगा, वो भी -87. -87 विल कम इटसेल्फ, राइट? अब यहाँ पे बात आई, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 48 से डिवाइड करूँ और -1 आ जाए. -1 की बोलूँ तो -1 बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू -1 की 1 होती है. तो कुल मिला के 1 कब आता है, जब उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, राइट? और यहाँ पे -1 है तो ये -48 यहाँ पे आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा. देन ओनली एज अ रिजल्ट आई विल गेट -1. तो यहाँ पे दिख रहा होगा डिवीजन बहुत आसान है, सिर्फ हमको ये साइन गेस करना होता है. साइन गेस करने के लिए ये आपको क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे आपको साइन का वैल्यू पता चले कि डिवीजन में हम साइन का कैसे टेक केयर करते हैं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट जी पार्ट, सो अगेन यू हैव टू डिवाइड फ्रॉम सच अ नंबर सो दैट एज अ रिजल्ट यू विल गेट -2. आपको -2 आ जाए एज अ रिजल्ट, तो वो कौन सा नंबर होगा. सो बेसिकली दैट नंबर विल बी -10. वो नंबर क्या होगा, -10 होगा, क्योंकि रिजल्ट है माइनस का, 20 पहले से ही पॉजिटिव है. सो फिलिंग द ब्लैंक्स हैज़ टू बी अ नेगेटिव नंबर. वो नंबर क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 टू जा 20 आएगा. मीन्स इफ आई डिवाइड 20 बाई 10 देन इट विल कम 2, और -10 है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो वो कौन सा नंबर है जिससे हम 4 से डिवाइड करें तो -3 आ जाए, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गेस अगेन, यू हैव टू गेस द नंबर. इट्स वेरी इजी टू गेस, इट विल बी 12, राइट? तो 12 इफ आई डिवाइड बाई 4 देन एज अ रिजल्ट आई विल गेट 3. बट व्हाट विल बी द साइन ऑफ 12, 12 का साइन क्या होगा. आपको दिख रहा है कि 4 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड रिजल्ट इज अ नेगेटिव नंबर, सो हियर वन नंबर हैज टू बी अ नेगेटिव नंबर, सो इट मस्ट बी अ नेगेटिव नंबर. मींस -12 डिवाइड बाय 4 देन इट विल कम -3, ठीक है? और अपने को रूल्स पता ही हैं कि अपोजिट साइन विल ऑलवेज लीड टू नेगेटिव साइन, राइट? एंड सेम साइन विल ऑलवेज लीड टू पॉजिटिव साइन, राइट? सो दीज टू रूल्स वी आर ऑल्सो अप्लाइंग ओवर हियर. ओके, लेट्स सी सॉल्यूशन. तो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट? यू कैन सी ओवर हियर ऑल द सॉल्यूशन यू आर गिवन, एंड यू मस्ट नो व्हाई साइन इज कमिंग डिफरेंट, व्हाई साइन इज कमिंग सेम. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 पेयर्स. वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन, राइट? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझते हैं. राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए कॉमा बी सच दैट, दिस इज द कंडीशन एक्चुअली, व्हाट इज द कंडीशन, सच दैट ए डिवाइड बाय बी इट मस्ट कम -3. वन पेयर दे आल्सो गिवन वन एग्जांपल, एंड व्हाट इज द वन एग्जांपल, वन सच पेयर इज 6, -2, बिकॉज 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3, राइट? So they have given an example, and now we have to guess the value of A and B so that A divided by B will come -3. तो हमें ऐसे नंबर गेस करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर. अगर एक मैं चीज आपसे यहाँ पूछूं कि हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल सो दैट रिजल्ट विल गेट -3, सो योर आंसर विल बी इनफाइनाइट.
ऐसे ए और बी के इनफाइनाइट पेयर हो सकते हैं, जिसको मैं अगर ए को बी से डिवाइड करूं, एज ए रिजल्ट यहाँ पे -3 आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर होंगे, उसमें से कुछ पेयर हम देखने जा रहे हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर आई हैव टेकन 9 एंड सेकेंड नंबर आई हैव टेकन -3, सो वी विल डिवाइड, बिकॉज वन नंबर हैज टू बी पॉजिटिव, वन नंबर हैज टू बी नेगेटिव, देन ओनली एज अ रिजल्ट यू विल गेट माइनस नंबर, क्योंकि अपोजिट साइन होंगे तभी हमको माइनस साइन मिलेगा। यू रूल हम बहुत पहले से जानते हैं। इस पेयर में भी एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, राइट, एंड एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग -3। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, देन अगेन 12, -4, so one number is positive, one number is negative, as a result we are getting -3. So any pair you can take, the condition is only there, one number you have to take positive and one number you have to take negative, then only result will come as a negative number. So how many such a answer, such a pair can be possible? So answer is infinite, right? I can take any number, for example I am taking 99, right? 99 divided by -33, right? -33. Again, how much it will come? It will come basically -3 only. So any pair can be possible. So there are infinite pair are possible for such relation. So -36, 12. Again, one number is negative, one number is positive, and result is coming -3. If I talk about this question, this part. So 21, -7. Again, one number is positive and one number is negative. So result is coming -3. So how many such pair are possible? So answer is infinite pair are possible for such relation. Which relation? A divided by B is equal to -3. Right? Only the condition is one number should be positive and one number should be negative.